जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों, ये गोबर के पल्ले लेके जो गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पे जाके गोबर पाथने जा रही हैं, किसकी हैं? हमारे घरों की तो है। आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने ऐलान किया, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। ये बाजारों में जा जाके जो कपड़े पसंद कर करके ला रही हैं, संभल में जाके देखो, सूरज प्लाजा में नीचे वाली मार्केट में देखो तो औरत, ऊपर वाली में देखो तो औरत, औरत पे औरत, औरत पे औरत, जिधर देखो औरत। बसों में औरत, ट्रेनों में औरत, हवाई जहाज में औरत, हर जगह। और हमें तो खुदा गवाह है, ये सैयद साहब कबीलाएं सफर करते हैं। अब दौर कितना बदल गया ना, पर्दे का हुक्म औरत को दिया अल्लाह ने, मगर पर्दा अब हम मौलाना लोग करके जाते हैं। हवाई जहाज में सफर करो तो अल्लाह खैर फरमाए, तमाम औरत, नए नए स्टाइल की औरत, एयर होस्टेस देखो तो पूछो मत, और आके पूछेंगे सर आपको कुछ चाहिए? आदमी कहता है नहीं, अगर आदमी भला हो तो कहता बस अल्लाह की पनाह चाहिए। ये दुनिया ने मतलब औरत को कितना कितना गिरा दिया, कितना उसे रुसवा कर दिया। गौर तो करो मेरे अजीजों, जिस औरत को अल्लाह के नबी ने इज्जत अता की, उस औरत को कितना रुसवा कर दिया गया, उस औरत की इज्जत को कैसे नीलाम किया गया। एक रुपए की माचिस भी बगैर औरत के फोटो लगाए ये लोग नहीं बेच पा रहे हैं, और कितना उसे रुसवा करेंगे। एक रुपए की माचिस और जिस औरत की इतनी इज्जत, उसकी फोटो छाप के तुम एक रुपए की माचिस बेच रहे हो। जहां देखो औरत, 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 औरत। ये भैया कहां से आ रही है? कई विदेशों से आ रही है, बताओ मुझे। ये हमारे तुम्हारे घरों की हैं। हुक्म तो ये था कि कपड़े अगर ला कर दे तो शोहर बीवी को ला कर दे। अब कोई शोहर अगर सोचता भी है ना कि कपड़े मैं अपनी मर्जी के पहनाऊंगा, मैं ला कर दूंगा, मार्केट नहीं लेके जाऊंगा, तो औरतें बड़ी चालाक है। जैसे ये कपड़े लेके आएंगे देखेंगे ये लाए हो, समझ में नहीं आता, इसका कलर अच्छा नहीं है, इतने अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं, दूसरा कलर लेने गया। फिर ये आदमी दूसरा कलर लेकर आया तो फिर इसने देखा इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, फिर लेके गया बेचारा गरीब, अब की बार फिर चेंज करके लाया, कह रही ये वाला तो डिजाइन एक साल पहले चलता था। फिर गया, फिर लेके आया, कहने लगी तुमने बिल्कुल कपड़ा लेना ही नहीं जानते, पसंद ही नहीं तुम्हारी कोई। इसने भी झुंझलाट में कर ली, ये कपड़ा पकड़ और वो दुकान है, जा जा खुद ही ले गया। ये तो चाह रही थी कि बस मुझे परमिशन मिले किसी तरह। इसने जल्दी से टांगा पर्स, पहना बुरका, पहुंच गई मार्केट मटकते हुए। और बुरके सैयद साहब अल्लाह रहम फरमाए, बुरके नहीं है अजाब है, बुरके थोड़ी रह गए अब। पहले वो बुरके चंद बुजुर्ग खवातीन, वो सर पे उन्होंने टोपी रखी पूरा नीचे तक, वो अब पता ही नहीं लग रहा अंदर बूढ़ी औरत है जवान है क्या उसकी उम्र है, कोई अंदाजा नहीं हो रहा। और अब तो बुरका देख के आदमी हैरान हो जाता है, बुरका देख के पीछे 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 समझता पता नहीं कौन सी शहजादी जा रही है, कौन सी हसीना जा रही है। और जब जाके इसने बुरका उतारा ना, इसने जो देखा तो पोती का बुरका पहन के दादी गई थी,
समझ रहे। और बुर्का जब पहने हुए थी तो पूछो मत, बड़ी इतरा रही थी। बुर्का उतराना तो इतनी लीचड़ी अंदर से निकली सलीचड़ी, कपड़ों पे भी ये बड़े बड़े दाग थे। कई विदेशों से आ रही है ये, हमारे तुम्हारे घरों की तो है। इज्जत अल्लाह के नबी ने दी मगर खुद ही अपनी इज्जतों को पामाल कर रही है। और औरत की इज्जत क्या जानते हो, औरत का मकाम। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने औरत को जब पैदा किया, पहली औरत पहली खातून हजरत हव्वा कहां पैदा किया अल्लाह ने, जन्नत के अंदर पैदा किया। हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, उनको पैदा करके जन्नत में भेजा, मगर हजरत हव्वा को पैदा ही जन्नत में किया। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को जन्नत के अंदर पैदा किया, फिर हजरत आदम को हुक्म दिया, फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ अपनी जौजा के साथ जन्नत में रहो। परवरदिगारे आलम ने औरत को पैदा किया तो जन्नत के अंदर पैदा किया। सोचने वाली बात यह है क्यों पैदा किया जन्नत में। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते अल्लाह ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया उसकी वजह यह है, उसके कई सारे असबाब हैं मगर उसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके औरत को मिजाज दिया कि तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, तेरी आंखें खुलेंगी, तुझे जन्नत की बहारें नजर आएंगी। आंख खुलते ही जन्नत के नजारों को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की बहारों को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की रानाइयां देख ले, आंख खुलते ही जन्नत का हुस्न देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के नजारे देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की शादाबी देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की शगुफ्तगी देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के गुलो गुंचा को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की कलियों को देख ले, आंख खुलते ही जन्नत का निखार देख ले, आंख खुलते ही जन्नत का चमन देख ले, आंख खुलते ही जन्नत की नहरें देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के बागात देख ले, आंख खुलते ही जन्नत के महलात देख ले। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया जन्नत के अंदर पैदा किया, फरमाया ए औरत तू दुनिया में बाद में जाएगी, पहले इधर जन्नत को देख ले, जन्नत को अच्छे से देख कर जा, जब तू दुनिया में जाना तो अपने घर को इधर जन्नत देख के जा, उधर अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दिया दुनिया में जो तू घर बसाएगी ना, मर्द बाहर वाला कहलाएगा, तू घर वाली कहलाएगी, तो तू अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए, आजकल जन्नत का नमूना घर कहाँ है, मैदान है कुश्ती का मैदान अखाड़ा, जिसमें सुबह को देखो तब नोक झोंक है लड़ाई झगड़े हैं, दोपहर को देखो तब वही हाल है, रात को देखो तब वही हाल है। दूसरी वजह औरत को अल्लाह ने जन्नत में इसलिए पैदा किया, जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को पैदा किया है, और हूरों की खूबसूरती हूरों का हुस्न अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं हूरों का हुस्न ये है, ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नत की एक हूर अगर दुनिया के अंदर अपनी एक उंगली जरा सी जाहिर कर दे, दिखा दे एक उंगली दुनिया में, फरमाया गया अगर जन्नत की हूर दुनिया में अपनी एक उंगली दिखा दे, जाहिर कर दे, तो उसकी उंगली से वो नूर वो चमक निकलेगी,
कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, चांद की चांदनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये जन्नत की हूरों का हुस्न है मेरे अजीजों, लेकिन अल्लाह ने जन्नत में औरत को पैदा किया और मिजाज दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ए औरत तू इधर हूरों को देख कर जा, इनका रहना सहना देख ले, इनका बनना सवरना देख ले, इनका सजना सवरना देख ले, इनका सलीका शऊर देख ले, इनके रहने का ढंग देख ले, इनका दस्तूर हयात देख ले। गोया अल्लाह ने मिजाज दिया, ए औरत इन्हें देख कर जा, ताकि दुनिया में जाकर तू भी इसी सलीके से रहे, इसी कायदे करीने से रहे, ताकि तू जिसके निकाह में रहे, तेरा शोहर तुझे देखे, उसके दिल को सुकून मिल जाए। ऐसे रहना कि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसका दिल बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए। अल्लाह ने मिजाज दिया औरत को, मगर आज औरत ऐसे रह रही है कि आदमी बाहर बड़ा खुश है, घर में आती उसका खून खुश्क हो गया। बाहर अच्छा था, हंस बोल रहा था, घर में आते ही इसकी आंखों में खून आग बबूला। और कमाल तो यह है, अजीब बात तो यह है, हुक्म शरीयत का यह है कि शोहर को राजी रखो, औरत के लिए कि शोहर को राजी रखो, लेकिन हालात ये हैं, अलमिया ये है कि शोहर ही राजी नहीं है, बाकी सब राजी हैं, पूरा मोहल्ला राजी है, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि भाई चच्ची बहुत अच्छी। कह रहे चच्ची का जवाब नहीं है, जब भी जाओ चाय पिलाए बगैर नहीं भेजती। मोहल्ला राजी है, आदमी नाराज है, क्या फायदा? सारी दुनिया राजी हो जाए अगर अपना शोहर नाराज है, याद रखना ना अल्लाह राजी होगा ना महबूबे खुदा राजी होगे। तो औरत को, बेटी को अल्लाह ने जितनी इज्जतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ताला ने जितना उसे इज्जतों का ताज अता किया है, उतना ही आजकल हमारे मुआशरे ने और खुद औरत ने अपने आप को रुसवा कर लिया है। उतने ही ज्यादा हालात में बदलाव आया है, तब्दीली आई है। हालात में उतनी ज्यादा तब्दीली आई है, बदलाव आया है। बहरहाल अर्ज करने का मकसद इतना सा है कि बेटियों का मकाम बड़ा है, मगर बेटियों के मामले में हम वो तरीका फॉलो करें, वो तरीका अपनाएं जो रसूलुल्लाह का तरीका है, और बेटियां वो सीरत अपनाएं जो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत है, वो तरीक़ेकार अपनाएं जो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने अता किया है, वो तालीमात जो हुजूर ने अपनी बेटी के जरिए इस उम्मत की तमाम औरतों को अता फरमाई है, वो तालीमात हैं जिसके जरिए जिंदगी बेहतर बनेगी, जिंदगी खुशगवार बनेगी। और जो मैं बात अर्ज कर रहा था ना, हम खुद ही जालिम हैं, खुद ही मजलूम हैं। सैयद साहब, ये एक तल्ख सच्चाई है, आदमी रोता है, गिरिया उजारी करता है, फरियाद करता है, लोगों को अपना गम सुनाता, कहता है जी मैं क्या करूं, मेरे पास बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है, मगर जहां भी रिश्ता करने जा रहा हूं कोई मुझसे चार पहिया मांग रहा है, कोई 2 लाख 4 लाख की डिमांड कर रहा है। कहता कि नहीं कहता आदमी, बोलो, हर आदमी ये रोना रोता है कि नहीं, कि इतना कैश मांगा जा रहा है, जहेज इतना मांगा जा रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखा। आईपीएस भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, डॉक्टर भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, इंजीनियर भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, मालदार भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, बड़ा कारोबारी भी तो तुम ही ढूंढने निकले थे, फिर रोते किस लिए हो? क्या तुमने कभी सोचा कि अपनी बेटी किसी दीनदार के साथ निकाह कर दे? क्या तुमने कभी सोचा अपनी बेटी का निकाह किसी भले इंसान के साथ कर दे? क्या कभी तुमने सोचा अपनी बेटी का निकाह किसी शरीफ आदमी के साथ कर दे? नहीं, भले ही कितना बड़ा मक्कार अय्यार क्यों ना हो, हम चाहते मालदार हो,
हम दीनदार ढूंढते ही नहीं, मालदार ढूंढते तो रोते किस लिए हैं। देखा करो ना, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। बेटी वाला भी कोशिश करे कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसी भले गरीब क्यों ना हो, शरीफ हो, इज्जतदार हो, उसके साथ कर दूं, नमाजी हो, उसके साथ कर दूं। लेकिन यहाँ जब मामला ये है कि जब बेटी का निकाह करने का नंबर आता है तो गांव का सबसे नंबर एक का आदमी चाहिए, सबसे बड़ा मालदार। फिर धान के घर करेंगे, बड़े मालदार के घर करेंगे, फिर जहेज के लिए मजलूम बनते हुए फिर रोते हुए कहते हैं जी हम क्या करें, बेटी वाले हैं, जुल्म हो रहा है। बिल्कुल भी जुल्म नहीं होगा, तुम अपनी बेटियों का निकाह करो उन लोगों के साथ जो शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, दीनदार हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के शहदाई हैं। उनके पास भली माल दौलत नहीं है, कोई फर्क नहीं। तो आप माल दौलत जब नहीं देखेंगे, दीनदारी देखेंगे, तो खुद ब खुद माहौल बदल जाएगा। अल्लाह ताला की रहमत है। हुजूर फरमाते हैं बेटा तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी नेमत के साथ साथ अल्लाह की रहमत है। बेशक बेशक बेटी आती है घर में, रहमतें आती हैं, बहारें आती हैं। इस आले सवाब के ताल्लुक से प्रोग्राम है। आप सब की शिरकत, हम सब की शिरकत अल्लाह कबूल फरमाए। मैं मतला नात पाक का हाजिर कर रहा हूँ। एक मतलब दो शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप ज़रा सा माहौल बनाएं और थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें। आप ज़रा सा बस मेरा साथ निभाएंगे, 10-15 मिनट आप मुझे आमादा कर लें, ज़रा तैयार कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको तैयार करूँगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यकीनन हुजूर के नाम के सदके ही हम सबका नाम चल रहा है। बेशक बेशक बेशक। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कहें सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रबल बढ़ा के थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दो और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। माशाल्लाह करें। मुझे बेड़ियों में रखते आहा, ये जमाने वाले लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले लेकिन, मुझे बेड़ियों में रखते
जमाने वाले लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम चल रहा है तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 बजने वाले हैं, मैं चाहता हूँ इस वक्त में रात का वो हिस्सा है कि हर आदमी तकरीबन लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पे नींद की तैयारी में होते हैं, सो गए होते हैं बहुत सारे लोग, तो इस वक्त में अपने आका को पुकारें दिल के दिल लगाकर, मदीने के ताजदार को पुकारें। इंशाल्लाह पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। शरीक हो मेरे साथ जुड़े। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। आप लोग खुश नसीब हो, आपको इमाम भी अल्लाह ने अता किया है तो मुस्तफा का शहजादा अता किया है। सच्चाई है, सच्चाई है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं इनके पीछे खड़े होकर, यकीन करें आपकी नमाजें ऐसी नमाजें हैं कि आप अपनी नमाजों पर फख्र कर सकते हैं, क्योंकि आप शहजादे मुस्तफा की इख्तिदा में नमाजें पढ़ते हैं। नमाज के बाद में हमारे यहाँ सुन्नियों में फजर की नमाज खास तौर पर अदा करने के बाद में सलातो सलाम पढ़ते हैं, आका की बारगाह में खराज अकीदत। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। ये मेरे इमाम का कलाम है, बड़ा मकबूल सलाम है, बारगाह मुस्तफा में मकबूल है, पढ़ा जाता है हर हर गांव में, हर हर इलाके में, पूरी दुनिया में, छोटे छोटे बच्चे, बड़े जवान, बूढ़े बुजुर्ग सब पढ़ते हैं। मैं इसी हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फताबे आला हजरत, हयाते आला हजरत, जिंदाबाद। चल रहा है कि नहीं, कैसे चल रहा है? एक नाम मेरे हुजूर का है, इतना प्यारा नाम है कि उस नाम ने सारी दुनिया के तमाम, इस उम्मत के तमाम, हम जितने भी हमारे नाम हैं, हम सब नामों को इज्जतें अता की हैं। कौसर संभली ने कहा है, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। थोड़ा तैयार होंगे आप तो इंशाल्लाह मजा आएगा। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की
पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। इतना प्यारा मेरे हुजूर से नाम मोहम्मद लिख दो, वाह वाह माशाल्लाह। नाम चल रहा है, चलता रहेगा कयामत तक। बेशक बेशक, फिर सुबह कयामत मैदान महशर उधर भी मेरे हुजूर का ही नाम चलेगा, उधर भी मेरे हुजूर का सिक्का चलेगा। मैंने जो कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, आज आप लोगों के दरमियान जिस महफिल में आप बैठे हैं, एक बेटी के ईसाले सवाब के लिए महफिल है। मैं उसी हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। बेटी को बाप से बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, और बाप को बेटी से बड़ा प्यार होता है जी। लेकिन सिलसिला हसब नसब वो बेटों से चलता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने चार बेटियां तीन बेटे अता फरमाए जी। कितने? चार बेटियां तीन बेटे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिको जरा तवज्जो से सुनना, परवरदिगारे आलम ने चार बेटियां अता फरमाई लेकिन बेटे अल्लाह ने तीन अता फरमाए, तीनों अल्लाह ताला ने ले लिए, तीनों बेटे परवरदिगार ने ले लिए। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिये कायनात के शहजादे का जब इंतकाल हुआ, जब मेरे आका के शहजादे का इंतकाल पुरमलाल हुआ, मुस्तफा गमगीन ताजदारे मदीना की चश्मा ने नबूवत में आंसू। इधर कुफारे मक्का हरमे काबा के दरवाजे पे खड़े हो गए, एक काफिर खड़ा हो के कहने लगा, आस बिन वाइल उसका नाम, वो कहने लगा, ए मक्के वालो, ए मक्के के काफिरों, अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर जुल्म न करना, अब मोहम्मद को कोई मारना नहीं, कोई सताना नहीं। मक्के के बाकी काफिर कहने लगे, क्या हुआ ए आस बिन वाइल, क्या तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया, क्या तू उनका गुलाम बन गया, क्या बात है जो कहता है अब उनसे कोई कुछ ना कहे, अब कोई उन पर हाथ ना उठाए, कोई जुल्म ना करे, कोई मारने का मंसूबा ना बनाए, कोई मारने की प्लानिंग ना करे, कोई जुल्म ज्यादती ना की जाए। मालूम किया, क्या तूने कलमा पढ़ लिया है, कहने लगा नहीं नहीं मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैं ईमान नहीं लाया, मैंने इस्लाम का दामन नहीं पकड़ा। तो मक्के के काफिर ने कहा था, फिर क्यों उनकी तरफदारी में बात कर रहा है, फिर क्यों ऐसा बोल रहा है। वो कहने लगा, ऐ मक्के के काफिरों सुनो सुनो, अब क्या जरूरत है मोहम्मद को मारने की, सताने की, तकलीफें देने की, अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो बेटा कोई नहीं रहा, अल्लाह ने बेटा भी ले लिया, अब कैसे उनकी नस्ल आगे चलेगी, कैसे उनका मिशन आगे बढ़ेगा, अब तो उनका नाम लेने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहेगा, उनके बाद में नाम भी मिट जाएगा, उनके बाद में नामो निशान नहीं रहेगा। कहने लगा, लोगों अब हमें मारने की जरूरत नहीं है, अब तो उनका खुद ही नाम मिट जाएगा, अब तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, बेटा अल्लाह ने ले लिया है, अब उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर, गौर करो, ये खबर जब मेरे आका को मिली, एक तरफ बेटे के जाने का गम था, एक तरफ ये ताने जब कानों तक आवाज पहुंची, मुस्तफा और ज्यादा गमगीन हुए। ताजदारे मदीना ने अल्लाह ताला परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, मौला आंखों में आंसू हैं। आका ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ तो बेटे की जुदाई का गम है, एक तरफ तो मेरा लखते जिगर चला गया, ऐ मौला एक तरफ तो बेटे का गम अभी ताजा है, और दूसरी तरफ हाल ये है, ये मक्के के काफिर कहते हैं मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये मक्के के काफिर कहते हैं मेरी
तेरी नस्ल भी खत्म हो जाएगी। परवरदिगार आलम ने फौरन बुलबुले सिदरा को भेज दिया। ताहिरे सिदरा आ गए, जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, आका की बारगाह में सलाम पेश किया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह का कलाम लेके आया हूँ। कुरान की आयत नाजिल हो गई, कुरान की सूरत नाजिल हो गई। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमा दिया, परवरदिगार ने आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया, महबूब गम ना करो, ऐ महबूब फिक्र ना करो, ये जालिम समझते हैं नस्ल बाकी नहीं रहेगी, नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐ महबूब मगर सुनो, नाम ऐसे चलेगा और इतना चलेगा, तुम्हारी नस्ल ऐसे चलेगी, गली गली तुम्हारी नस्ल होगी, गांव गांव तुम्हारी नस्ल होगी, शहर शहर सादात होंगे, हर जगह पर तुम्हारी नस्ल मौजूद रहेगी। या अल्लाह, मेरा तो बेटा कोई नहीं है, नस्ल कैसे चलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अब निजामे कुदरत बदल जाएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए निजाम तब्दील होगा। जमाने के हसब नसब बेटों से चलते हैं, तुम्हारी नस्ल को बेटी से चलाया जाएगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया, महबूब निजाम बदल जाएगा। बात आपकी, जमाने का शिजरा, जमाने का हसब नसब, औलाद की तरफ से जब चलेगा तो बेटों से चलेगा, मगर तुम्हारा जो चलेगा तो बेटी से चलेगा। फरमा दिया परवरदिगार ने, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी नस्ल गली गली पाई जाएगी, तुम्हारा फैजान गली गली होगा, पूरी दुनिया में नाम बाकी अगर रहेगा तो तुम्हारा बाकी रहेगा, बाकी सबके नाम मिट जाएंगे, और जो नाम तुम्हारे नाम से जुड़ जाएंगे वही नाम बाकी रह जाएंगे, वही नाम महफूज रह जाएंगे, उन्हीं नामों को इज्जतें मिल जाएंगी। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, महबूब नस्ल तुम्हारी बाकी रहेगी। ऐ मेरे हबीब, जो सादात होंगे औलाद अली की कहलाएंगे, आल नबी की कहलाएंगे। सुभानअल्लाह, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ बेटी का मकाम, बेटी की इज्जत को बयान किया। ये कौन सा दौर था जब बेटियों को दफन किया जा रहा था, ये कौन सा दौर था जब बेटियों को मारा जा रहा था। ये वो दौर था तब परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, हबीब दुनिया को पता लग जाएगा कि महबूबे खुदा की तो नस्ल ही बेटी से चलेगी, तो बेटी की इज्जतों का ऐलान हो जाएगा, दुनिया समझ जाएगी बेटी का मकाम क्या है, दुनिया को पता लग जाएगा बेटी क्या होती है। इसीलिए जौहर कानपुरी ने कहा, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस दौर में हुजूर बेटी की इज्जत का ऐलान कर रहे हैं, उस दौर में परवरदिगार बेटी का मकाम दुनिया को दिखा रहा है कि जब बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। आज जिस जलसे में आप और हम जमा हुए, एक बेटी दुनिया से रुखसत हुई, उस बाप से पूछो जिसकी बेटी जवान दुनिया से गई, उसका कलेजा फट गया, बेटी क्या गई। एक तरफ तो हालात ये हैं, बेटियों को लोग बोझ समझ रहे हैं,
एक तरफ तो हालात ये हैं कि लोग समझते हैं बेटी है बड़ा खर्च करना पड़ेगा, इसकी शादी में बड़ा हमें पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन सुनो सुनो दूसरी तरफ बाप को मोहब्बत भी इतनी होती है, प्यार भी इतना होता है, कहता है मेरी बेटी तू है तो मेरे घर में बहार है, तू है तो तेरे होने से मेरे घर के अंदर रौनक है, ऐ मेरी लखते जिगर रात दिन कमाऊंगा, मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, मैं सारा दिन मजदूरियां तो गवारा करूंगा, मगर तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, तेरी शादी बड़ी शानो शौकत से करूंगा, जमाना देखेगा ये बाप और बेटी का रिश्ता कैसे बना, ये बाप और बेटी में प्यार कहां से आया, बाप तो यही था बेटी तो यही थी, मगर बाप इतना शफाक था इसी बेटी को रेत के नीचे दबा दिया करता था। एक सहाबी है मेरे आका की बारगाह में, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना दौरे जहालत के दो वाक़े याद आते हैं, आका जब हमने कलमा नहीं पढ़ा था जब हम ईमान नहीं लाए थे, या रसूल अल्लाह दो वाक़े याद आते हैं, दो बातें याद आती हैं, एक बात को याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है और आका दूसरी को याद करते हैं तो बड़ा रोना आता है, आंखें भीग जाती हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया बोलो जरा बताओ कौन सी वो दो बातें हैं जो तुम्हें याद आती हैं। अल्लाहु अकबर, सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जब हमने कलमा नहीं पढ़ा था जब हम ईमान नहीं लाए थे, आका हम बुतों की पूजा किया करते थे, जब हम सफर पे जाते थे हम आटे के बुत बना लिया करते थे, आटे के बुत बना कर लेकर चलते थे और रास्ते में उन्हीं बुतों की पूजा किया करते थे, लेकिन जब भूख लगती थी उन्हीं बुतों को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे, कभी बाजू तोड़ के पका के खा लिया, कभी पैर तोड़ के पका के खा लिया, कभी उसके चेहरे को उसके सर को तोड़ा और उसको पका कर खा लिया। कहने लगे आका आज भी हम अगर उस बात को याद करते हैं या रसूल अल्लाह हमें हंसी आती है, हमें अपने आप पर हंसी आती है, हमारी अकलों को क्या हो गया था, जिनको पूज रहे थे उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका पका के खा रहे थे। कहते हुजूर ये एक वाकया तो ये कि जिस पर हमें हंसी आती है ताज्जुब होता है, कहते हुजूर एक और वाकया है जो हमें रुला दिया करता है, एक और वाकया है जिस पे हमें रोना आता है, एक और बात है। ताजदारे मदीना ने फरमाया वो कौन सी बात है जिस पर तुम्हें रोना आता है, इतना सुना तो सहाबी अर्ज करने लगे, अब आवाज भी तब्दील होने लगी, आवाज भर्रा गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया बयान करो वो दूसरी बात कौन सी है, अब आवाज भी तब्दील हो गई, लहजा भी तब्दील हो गया, आंखें भी भीग गई, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जब तक हमने कलमा नहीं पढ़ा था आका हमारी हालत ये थी, या रसूल अल्लाह हम बेटियों को बोझ समझा करते थे, हम बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दबा दिया करते थे, हम उनको जिंदा रेत में दफन कर दिया करते थे, हमारी हालत ये थी या रसूल अल्लाह हम इतने जालिम बन गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका ने इतना सुना चश्माने नबुवत मेरे आका की नम हो गई, मुस्तफा ने चेहरा झुका लिया, मुस्तफा की चश्माने नबुवत नम हो गई, इधर वो सहाबी भी रोने लगे या रसूल अल्लाह दौरे जहालत के अंदर ये हाल था हमारा, आका आज भी याद आता है ये वाकया तो आका आंखें भीग जाती है, हमारा दिल रोने लगता है, लेकिन या रसूल अल्लाह जब से हमने कलमा पढ़ लिया आपके दामने करम को थाम लिया तब हमें बेटी का मकाम पता लग गया, तब हमें बेटी की इज्जत पता लग गई, तब हमें बेटी का प्यार आ गया। ऐ लोगों, एक जालिम बाप के सीने में अगर बेटी का प्यार डाला है तो ये अल्लाह के महबूब ने डाला है। नारे तकबीर, नारे।
रिसालत नारे हैदरी नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जलसे ईसाले सवाब कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जालिम इंसान जो अपनी बेटी को दफन कर रहा था उसके दिल में अगर बेटी के लिए इतना प्यार उमंड आया है तो ये फकत सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक ताजदार मदीना ने उस दौर के अंदर ऐलान किया अल्फातिमा तु बिदातुम मिन्नी। आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या है? फातिमा मेरा टुकड़ा। ताजदारे मदीना ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। लोगों जरा तवज्जो करो जहन करीब करो। आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जरा आका की जात को समझने की कोशिश करो। मुस्तफा करीम की शहजादी अपने घर के अंदर काम काज सैयदा फातिमा बहुत करती थी और हुजूर का मामला ये था बेटी से इस दर्जा मोहब्बत थी कि हुजूर जब तक बेटी को नहीं देख लेते थे दिल को सुकून नहीं मिलता था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात अपनी बेटी को जब तक देख नहीं लेते तो दिल को आराम नहीं आता था। नमाज पढ़ने के बाद में आका पहले अपनी बेटी के दरवाजे पर जाते अपनी बेटी के घर जाते खैरियत मालूम करते बाद में अपने घर पे आते थे बाद में हुजरे आयशा में आया करते थे। ये बेटी से प्यार है आका का। एक घर दरमियान में आगे मौला अली का घर है आगे हजरत फातिमा है लेकिन ये जरा सा डिस्टेंस बन गया ये जरा सी दूरी बन गई। अल्लाह अकबर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा आका की बारगाह में आई या रसूल अल्लाह मेरा दिल तो चाहता। मेरे आका ने फरमाया बेटी तुझे देखता नहीं तो मुझे सुकून नहीं आता। कहने लगी आका मेरा भी दिल नहीं लगता है या रसूल अल्लाह क्या करूं ये जरा सा जो फासला है इस फासले को कैसे कम किया जाए। अल्लाह अकबर सैयदा फातिमा कहने लगी या रसूल अल्लाह ये जो दरमियान में एक सहाबी का मकान है अगर ये सहाबी हमारे मकान में चले जाए हम इनके मकान में आ जाए तो या रसूल अल्लाह ये दूरी खत्म हो जाएगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया है मेरी शहजादी मैं भी यही चाहता हूँ मेरा दिल भी यही चाहता है तू मेरे बिल्कुल करीब रहे लेकिन क्या करूँ वो अपना सामान साजो सामान उठा कर लेकर कहाँ जाएगा और अगर वो राजी हुआ या नहीं हुआ मेरा दिल नहीं चाहता है कि उससे कहूं। इधर ये गुफ्तगू आका की हुई है उधर वो सहाबी जिनका मकान है उनको खबर मिल गई वो आका की बारगाह में आ गए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सैयदा को अगर इधर रखना चाहते हैं आका इस घर के अंदर अगर सैयदा को रखना है तो या रसूल अल्लाह सोचना कैसा बेटी के घर खबर भिजवा दीजिए आ जाए अपना सामान लेकर यहाँ आकर रहने लगेंगी। मेरे आका ने फरमाया ऐ सहाबी अगर मेरी बेटी यहाँ आएगी तो तू किधर जाएगा। रोके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप राजी रहे आपकी बेटी राजी रहे मैं तो मदीने के बाहर एक झोपड़ी बना के भी गुजारा कर लूंगा। माशाल्लाह आपकी बेटी राजी रहे मखदूमा कायनात राजी रहे। कौन मखदूमा कायनात है? लाहौर का एक कलंदर है जिसे दुनिया अल्लामा इकबाल कहती है। अल्लामा इकबाल बारगाहे सैयदा तय्यबा हजरत फातिमतुज़्ज़हरा में अपना मारूजा पेश करते हैं कहते हैं ऐ सैयदा ऐ फातिमतुज़्ज़हरा आपकी अजमतें आपकी रिफातें आपकी फजीलतें आपका मकाम मर्तबा तो ये है। ऐ सैयदा अगर मेरे पैरों में शरीयत की जंजीर ना होती अगर मेरे पैरों में शरीयत की बेड़ी ना होती ये सारा जमाना सारी दुनिया अल्लाह के घर काबे का तवाफ करता है अगर मेरे पैरों में शरीयत की बेड़ी ना होती तो मैं ऐ सैयदा तेरी कब्र का तवाफ किया करता। हुजूर की बेटी का ये मकाम है। बेटियों को इज्जत जो मिली है ना वो दरे सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा से मिली है।
इसीलिए तो शायर ने सरकार की शहजादी का मकाम मर्तबा बयान किया तो यूं कहा, दिले मुस्तफा का चैन है, दिले मुस्तफा का चैन और करार फातिमा, दिले मुस्तफा का चैन और करार फातिमा, मौला अली के घर का है सिंगार फातिमा। वो सैयदा, वो फातिमतुज़्ज़हरा, हुजूर ने अपनी बेटी को उस मकान में शिफ्ट कर दिया। आज भी आप जाएंगे सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा खातून जन्नत का मकान देखेंगे ना, हुजरे आयशा, ये सैयदा घर, एक दीवार बीच में, फकत एक दीवार, एक दीवार दरमियान में, फिर भी आका का तरीका और मामूल ये, नमाज पढ़ते पहले बेटी के घर जाते फिर अपने हुजरे में आते, जबकि एक दीवार का फासला, वो दीवार भी आका को जब गवारा न हुई तो ताजदारे मदीना ने उस दीवार में एक खिड़की लगवाई, एक जंगला लगवाया। ताजदारे मदीना इधर अपने घर के अंदर उस खिड़की पे बैठ जाते और अपनी बेटी को देखते रहते, अपनी बेटी को उधर देखते रहते। उधर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा है, अपने घर के काम काज में मसरूफ रहती है। अब जरा बात मेरी सुन लो, सैयदा घर में काम कर रही है, आका की एक रोज नजर पड़ी है, सैयदा रोटियां तंदूर में बना रही है, मेरे मुस्तफा ने देखा बेटी का पसीना टपक रहा है, सैयदा की पेशानी पे पसीना है। ताजदारे मदीना घर से निकले, काशा नए नबुवत से निकले, आका अपनी बेटी के दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, ताजदारे मदीना अंदर पहुंचे, आका ने फरमाया बेटी ऐ मेरी लखते जिगर, पसीना बह रहा है, बहुत मेहनत कर रही हो, ऐ बेटी मैंने देखा है रोटियां बना रही हो, ऐ बेटी तुम्हारा बाप आ गया है, तुम्हारा बाबा आ गया है, जरा सा तुम आराम कर लो, तुम रोटियां तंदूर में जो डाल रही हो बना रही हो, अब तुम इस काम को ना करो, बस तुम पीछे बैठ कर पेड़े बना कर दो, दो आटे के पेड़े बना कर दो, रोटियां मैं बनाए देता हूँ, रोटियां जरा मैं तंदूर में लगाए देता हूँ। आका बैठ गए, मुस्तफा करीम रोटियां लगाने लगे। है लोगो गौर तो करो, कायनात का इमाम जाने कायनात, नबियों का पेशवा मुस्तफा करीम महबूबे खुदा, अपनी बेटी से ये प्यार है, ये मोहब्बत है कि बेटी के साथ रोटियां बनाने लगे। ताजदारे मदीना इधर रोटियां बना रहे हैं, अल्लाहु अकबर, इधर फातिमतुज़्ज़हरा नजर डालती है, देखती है और फिर आका से बारगाहे मुस्तफा में अर्ज करती है, कहने लगी या रसूल अल्लाह एक बात समझ में नहीं आ रही, या रसूल अल्लाह ऐ बाबा जान एक मामला समझ में नहीं आ रहा। आका ने फरमाया बोलो बेटी क्या बात है, कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं रोटियां बना रही थी, मैं चूल्हे के अंदर तंदूर के अंदर जब रोटी को डालती हूँ, रोटी सिककर बाहर निकलती है, पककर तैयार हो जाती है, लेकिन आका आपने जितनी रोटियां बनाई सारी रोटियां कच्ची निकल के आई है, तंदूर की आग ने किसी रोटी को सेका नहीं, पकाया नहीं है, आका सारी रोटियां कच्ची निकल के आई है। इतना सुना तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, तवज्जो से जुमला सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ मेरी बेटी सुनो सुनो, ये जो आग है इसकी क्या मजाल कि जिस आटे को महबूबे खुदा का हाथ लग जाए ये आग उस रोटी को जला नहीं सकती है। आटे की रोटी है, आका का हाथ लग गया, अब उसे आग नहीं जला रही है, उसे आग नहीं जला रही है। अब सुनो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा का मकाम सुनने वालों, ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ मेरी शहजादी हाथ मेरा लगा है, ये आग इसको जला नहीं सकती है। हमारा भी अकीदा यही है, आका का हाथ लग जाता है, आटे की रोटी को निस्बत मिल जाती है, आग उसको नहीं जलाती है, तो फिर हम तो आका से निस्बत रखते हैं, प्यार मदीने वाले से करते हैं। और उधर मेरे मुस्तफा की
शहजादी हजरत फातिमतुज़्ज़हरा, नाम फातिमा है। और फातिमा का माना क्या होता है? फातिमा का माना जब डिक्शनरी आप उठाएंगे, आजाद करने वाली, आजाद। ऐ लोगों, सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा आजाद। कैसी आजाद और कैसी आजाद करने वाली? अल्लाह की कसम, ताजदार मदीना की शहजादी, जो भी उनका अदब करे, इज्जत करे, उनसे मोहब्बत करे, खुदा की कसम सैयदा उसे दुनिया के गमों से भी आजाद कर देंगी और आखिरत की परेशानियों से भी आजाद कर देंगी। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम की शहजादी, ये मकाम और मर्तबा है। मगर सुनो मेरे अजीजो, बेटी को इज्जत मुस्तफा ने अता की, उस दौर के अंदर आका ने बता दिया ये बेटी का मकाम है, ये बेटी की इज्जत है। तो आज हर इंसान अपने दिल में अपनी बेटियों की मोहब्बत रखता है। आज इंसान इतना प्यार करता बेटी से, कितनी मोहब्बत करता बेटी से, अल्लाह की कसम आज हर इंसान से मालूम करो, आदमी अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करता जितना अपनी बेटी से प्यार करता है। इसलिए कि बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है। बेटी का जज्बा मोहब्बत भी ये है, बाप घर के अंदर आए, बेटा कहने के बावजूद भी काम नहीं करता। अगर बेटे से बाप पानी मांगे, कहने के बावजूद लाकर नहीं देता, टाल देता है। लेकिन बेटी ये होती है, बाप जैसी थका हारा घर में आए, बेटी खुद ब खुद सबसे पहले गिलास में पानी लेकर आ जाती है। ये बेटी की मोहब्बत है। बेटी बाप से मोहब्बत करती है, बाप बेटी से। ये जज्बा मोहब्बत मुस्तफा करीम ने दिलों में जगाया है। आज इंसान क्या कुछ नहीं करता अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए। आज इस दौर में, ऐसे हालात में जबकि शादियों में लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, कोई बाप है जो ये तमाम हालात देखकर पीछे कदम हटा दे? कहता नहीं, जितना भी खर्च होगा करूंगा, जितनी मेरी बिसात है, जितनी मेरी हैसियत है, उससे ज्यादा करूंगा, लेकिन अपनी बेटी को शान शौकत के साथ रुख्सत करूंगा। मगर मेरे अजीजों, अब मेरी जरा सी बात को तवज्जो से सुन लो और खास बात आप तक पहुंचा रहा हूं। एक तरफ हम बेटी वाले, दूसरी तरफ बेटे भी हमारे। हम बेटी के बाप होते हैं तो सहमे हुए, जब बेटी के बाप होते हैं तो हमारी हालत ये, हम मजलूम होते हैं। लेकिन जब बेटे के बाप बन के आते हैं तो हम खुद ही जालिम बन जाते हैं, फिर हमारा मामला बदल जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। हाँ, एक तरफ बेटी का प्यार था, सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन जब अपनी बेटी का मामला होता है तो पूरा ख्याल रहता है, पूरा मलाल रहता है। और जब दूसरे की बेटी का हो तो कोई ख्याल, कोई मलाल। खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम है। हमारी असल जो दिक्कत है ना, वो ये है कि हम खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम है। आज मुआशरे में बढ़ती हुई ये तमाम चीजें जो हमारे सामने हैं, आज हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या बात है, क्या ऐसा मामला है? ताजदारे मदीना ने जिस बेटी को इतनी इज्जत अता की, आज वो बेटी आखिर क्यों इस्लाम से मुंह मोड़ने लगी? आज वो बेटी क्या हुआ उस बेटी को, जो वो बेटी गैर का हाथ पकड़ के जाने लगी? आज उस बेटी को क्या हुआ कि वो एहसान भूल गई मुस्तफा का, एहसान भूल गई सैयदा का, और वो बाप भी कैसा हो गया? आज वो बाप फैशन के नाम पर और आज मॉडर्निटी
के नाम पर अपनी बेटियों को उसने बेलगाम कर दिया और ऐसा कर दिया कि जैसा उनका दिल चाहे करती रहे, जैसा भी जी चे जी में आए करती रहे। हालात को मेरे अजीजों क्या से क्या बना दिया। आज मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना की सीरत और सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत को अपनाने की जरूरत है। आज देखो मेरे अजीजों, आज हमारे तमाम उलमा बयान कर रहे हैं, तमाम उलमा बता रहे हैं, कनीज़े सैयदा फातिमा बन जाओ, अपनी बहन बेटियों को बीवियों को सिखा रहे हैं, कनीज़े जहरा बन जाओ, दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। मगर हालात ये है, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात तब्दील होते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है, हमारे घरों से दीन रुखसत हो रहा है, आका की मोहब्बत रुखसत हो रही है, ताजदारे मदीना की मोहब्बत दिन ब दिन कम होती जा रही है। आज हम लोग दुनियादार बनते जा रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत हमें कहां से कहां पहुंचा रही है, यही तो वजह है। एहसास मरता जा रहा है, जज्बात सर्द पड़ते जा रहे हैं, हालात इतने बदल गए, आज कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुआशरे में कितनी ही तबाही क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। आज क्या कुछ नहीं हो रहा, हालात कितने खराब हैं, अल्लाह रहम फरमाए। आज बदतमीजियां सरेआम हो रही है, बेहयाइयां सरेआम हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, आज भी अपने आप को अगर हम बदल डाले, तर्ज जिंदगानी को बदल डाले, खुदा की कसम इज्जतें हमारे कदमों में पड़ी होगी। एक बाज़ाब्ता तहरीकें तंजीमें काम कर रही हैं मुस्लिम मुआशरे को तबाह करने के लिए, मुस्लिम बेटियों को बहकाना वरगलाना और उनको अपने साथ लेकर चले जाना, उनके साथ में शादियां कर लेना, ये बड़ा आम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है जानते हो? ये नौजवान तबका बैठा है। नौजवानों, जब तुमने अपनी बहनों की इज्जत का ख्याल न किया तो कौन करेगा? नौजवान तो खुद चौराहों पे खड़े होकर अपनी बहनों को तक रहे हैं। एक मुसलमान की शान ये तो नहीं होती कि चौराहे पे खड़ा हो जाए और अपनी ही बहनों को तके। अल्लाह ताला ने जिनकी इज्जत का मुहाफिज बनाया था, आज उन्हीं को ये नौजवान हमारा मुसलमान चौराहे पे खड़े होकर, दोराहे पे गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर तक रहा है और जरा सी भी शर्म नहीं, जरा सा भी ख्याल नहीं। मुसलमान नौजवान की शान तो ये, अपनी तो अपनी बेटियां, गैरों की बेटियों की इज्जतों का भी मुसलमानों ने ख्याल किया है। एक यहूदी की बेटी बाजार के अंदर, और बाजार में किसी ने उसको छेड़ दिया, किसी ने जरा सा उसको कुछ कह दिया। एक मुस्तफा का दीवाना बाजार में खड़ा है, मदीने का बाजार है, मुस्तफा का एक सहाबी खड़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना के गुलामों, मेरे मुस्तफा करीम का वो गुलाम उस यहूदी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर उसकी इज्जत की हिफाजत की। उस भरे बाजार के अंदर उस यहूदी बेटी को, उस यहूदी की बेटी को वहां से बाइज्जत उसके घर तक पहुंचाया और जो छेड़ रहे थे उनको वहां से हटाया। ऐ मेरे अजीजों, ये मुसलमान का किरदार था। कल तक मुसलमान दूसरों की बेटियों की भी इज्जतों का ख्याल करते थे, आज का नौजवान अपनी बहनों की इज्जतों का ख्याल नहीं कर रहा तो गैर क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना। हुजूर ने बाप के सीने में बेटी का प्यार डाला था, मगर ये प्यार न जाने कौन सी मंजिल पे पहुंच गया कि जिस मुस्तफा ने ये बेटी की मोहब्बत सिखाई थी उसी आका की तालीम को बाप ने भुला दिया और उसने बेटी को क्या से क्या बना दिया। बाप की लापरवाही, मां की लापरवाही, हालात कितने बदले।
क्या आज आप सोच सकते हैं जितना मुआशरा हमारा खराब हो गया। बात यह है, हम लोग बस ये सोच लेते हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, हमसे थोड़ी रुकने वाला है, हम क्या कर सकते हैं। यकीनन हम ही कर सकते हैं, हम ही अगर बदलाव पैदा करेंगे तो बदलेगा माहौल। हम अगर ये सोच लें कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, एक एक कतरे से दरिया बन जाता है। एक एक आदमी जब अपने अपने माहौल को बेहतर करता चला जाएगा तो चीजें खुद ब खुद बदलती जाएंगी। ताजदार मदीना का पैगाम सुनो, एक हदीस सुनो, बात को खत्म कर रहा हूं। वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने? तीन लोग। बोलो कितने? तीन लोग। फरमाया हुजूर ने कि जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो तीन लोग? ताजदार मदीना ने फरमाया, पहला है बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता, और दूसरा कौन है? फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, दूसरा वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, और एक रिवायत के मुताबिक दूसरा वो जो शराब पिया करता है। अच्छा, वो नौजवान जो शराब के जाम उठाने लगा हो, क्या अब वो अपनी कौम और अपनी बेटियों की इज्जत को समझेगा? उसकी हमीयत क्या इतनी अब बाकी रह गई होगी? जिस कौम के नौजवान शराब के नशे में और बाकी नशे करने लगे हों और नशे में बदमस्त इधर उधर पड़े नजर आते हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी उस वक्त होती है जब आज भी हमें वो नौजवान मिलते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलों में आकर बैठते हैं और फिर अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। आज भी ऐसे नौजवान जब मिलते हैं तो तबीयत शाद होती है। मैं यहाँ आया, बच्चे जवान मेरे पास बहुत सारे एकदम आ गए, कहने लगे हजरत हम आपके बयानात सुनते हैं। इतना सुन के तो कम से कम तसल्ली मिलती है कि हाँ अभी इतना तो है कि हमारी नई नस्ल, जहां एक तरफ हालात इतने खराब है कि दुनिया सिर्फ गाने ड्रामे सीरियल फिल्म मूवी इसी पे लगी है, वहां कम से कम हमारी नई नस्ल इतना तो कर रही है कि वो बयानात तकरीरें नात मनकबत ये सब सुन रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल को जिक्र को सुनकर उन्हें खुशी मिल रही है, उनके दिल को सुकून मिल रहा है। इसी तरह अगर बदलता जाए माहौल मुआशरा, अगर तब्दील होता जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला वही बहारें आ जाएंगी। असल चीज ये है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, संवारें, वरना एक दिन मरना तो है ही, कब्र में तो जाना है ही, हिसाब तो देना है ही। ईसाले सवाब की महफिल में आने वालों याद रखना, कब्र में जाना है मौत आने के बाद में। कब्र के अंदर जब फरिश्ते आएंगे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और हुजूर तो फरमाते हैं कि कब्र जो है ना दबाती है। मोमिन नेक परहेजगार कब्र में जाए, कब्र उसे भी दबाती है। गुनहगार कब्र में जाए, कब्र उसे भी दबाती है। गुनहगार को भी नहीं छोड़ती, परहेजगार को भी नहीं छोड़ती। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, गुनहगार को भी कब्र दबा रही है, परहेजगार को भी दबा रही है। हाँ मेरे अजीजों गौर करो, गुनहगार को भी दबाती है कब्र, परहेजगार को भी, नेक को भी दबाती है। मगर अंदाज क्या है? फरमाया गया जब गुनहगार कब्र के अंदर जाता है तो कब्र उसको दबाती है, तो इस तरह दबाती है कि इधर की पसलियां इधर और इधर वाली पसलियां इधर, एक दूसरे में यूं अंदर को घुस जाती है। हड्डियां टूटने लगती हैं, जिस्म सारा चूर चूर होने लगता है,
जब कब्र दबाती है हड्डियां टूटने लग जाती हैं, मगर दूसरी तरफ मेरे अजीजों गौर करो, एक तरफ तो ये है गुनेगार जिसको कब्र ने ऐसे दबाया, इसकी हड्डियां टूटने लगी, कितनी तकलीफ हुई है, कितनी तकलीफ होती होगी, बस वही जानता है जिस पे गुजर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नेक परहेजगार है, एक वो है जो आका का वफादार है, एक वो है जो मुस्तफा का सच्चा आशिक है, गुलाम है, एक वो है जिसने अपनी जिंदगी गुजारी इबादत करते हुए, जिसने अपनी जिंदगी गुजारी अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हुए, एक वो है वो जब कब्र के अंदर गया, वो नेक परहेजगार जब कब्र में गया, उसको भी कब्र ने दबाया, मगर अंदाज क्या है, फरमाया गया जब कब्र उसको दबाती है, अंदाज ये होता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ, माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से दबाती है, नेक परहेजगार को कब्र इसी तरह से दबाती है। कभी सोचा कि अपनी बेटी किसी दीनदार के साथ निकाह कर दे? क्या तुमने कभी सोचा अपनी बेटी का निकाह किसी भले इंसान के साथ कर दे? क्या कभी तुमने सोचा अपनी बेटी का निकाह किसी शरीफ आदमी के साथ कर दे? नहीं नहीं, भले ही कितना बड़ा मक्कार अय्यार क्यों ना हो, हम चाहते मालदार हो। हम दीनदार ढूंढते ही नहीं, मालदार ढूंढते हैं तो रोते किस लिए है? देखा करो ना, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए। बेटी वाला भी कोशिश करे कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसी भले गरीब क्यों ना हो, शरीफ हो, इज्जतदार हो, उसके साथ कर दूं, नमाजी हो, उसके साथ कर दूं। लेकिन यहां जब मामला यह है कि जब बेटी का निकाह करने का नंबर आता है तो गांव का सबसे नंबर एक का आदमी चाहिए, सबसे बड़ा मालदार। फिर धान के घर करेंगे, बड़े मालदार के घर करेंगे, फिर जहेज के लिए मजलूम बनते हुए फिर रोते हुए कहते हैं जी हम क्या करें, बेटी वाले हैं, जुल्म हो रहा है। बिल्कुल भी जुल्म नहीं होगा, तुम अपनी बेटियों का निकाह करो उन लोगों के साथ जो शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, दीनदार हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के शहदाई हैं, उनके पास भली माल दौलत नहीं है, कोई फर्क नहीं। तो आप माल दौलत जब नहीं देखेंगे, दीनदारी देखेंगे, तो खुद ब खुद माहौल बदल जाएगा। वो दीनदार तुमसे जहेज नहीं मांगेगा, वो दीनदार तुमसे माल दौलत नहीं मांगेगा, माल दौलत वही मांगेगा कि आप जिसके यहाँ खुद माल दौलत देख के जा रहे हो। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए मुआशरे को, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए, परवरदिगार मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया उसमें जो गलतियाँ हो गई मौला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वातुबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल्लाह।